बक्सर बहुत ऐतिहासिक जगह है, आपको मालूम है विश्वामित्र जी का आश्रम वहीं, जिनको अध्यात्म में विश्वास है वो जानते हैं कि भगवान राम वहां पढ़े थे, वो गजब का स्थल है बक्सर, उसको मिनी काशी भी बहुत लोग कहते हैं। आपने चर्चा कर दी एक्सप्रेस हाईवे की दिल्ली से लेकर, और हमको मालूम है गोरखपुर नहीं, आप उसको गाजीपुर तक ले जा रहे हैं। गाजीपुर हमारे बक्सर के दूसरी तरफ है, और बक्सर में एक सेतु है, उसके समानांतर भी आप सेतु बनाकर बक्सर से भी उसको जोड़ेंगे, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। वह भी आप काम करने वाले हैं, लेकिन मेरी एक करबद्ध प्रार्थना, हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी कहा, बक्सर बहुत ऐतिहासिक जगह, आपको मालूम है विश्वामित्र जी का आश्रम वहीं, जिनको अध्यात्म में विश्वास है वो जानते हैं कि भगवान राम वहां पढ़े थे, वो गजब का स्थल है बक्सर, उसको मिनी काशी भी बहुत लोग कहते हैं। यह उसकी महत्ता है बक्सर की, और ऐतिहासिक भी महत्ता उसकी है, वहां चौसा नाम की ऐतिहासिक जगह है, और आप अगर जाएंगे तो आपको जो कुछ भी एक से एक ऐतिहासिक चीजें वहां हैं। हमारा आग्रह होगा कि ये बक्सर, पटना से बक्सर तो 4 लेन बन रहा, और बक्सर को फिर गाजीपुर से भी आप जोड़ेंगे, और गाजीपुर से गोरखपुर होते हुए लखनऊ होते हुए दिल्ली तक भी जाएगा, और हमारे यहां शेरशाह जो हाईवे है, शेरशाह सूरी मार्ग जिसको जीटी रोड कहा जाता था, उससे भी चौसा होते हुए उसकी कनेक्टिविटी है, लेकिन वो थोड़ी लंबी कनेक्टिविटी है। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करूंगा कि बक्सर से सीधे बनारस को जोड़ने के लिए एक और सड़क का निर्माण करिए। आपको पता नहीं बक्सर कितने लोग जाते हैं बनारस बिहार के, अगर यह रास्ता बन जाएगा तो न उनको गाजीपुर होकर जाना पड़ेगा, न उनको फिर इधर चौसा से रामगढ़ होते हुए फिर जीटी रोड पकड़कर जाना पड़ेगा, वो स्ट्रेट लाइन बक्सर से सीधे बनारस पहुंच जाएंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र भी है काशी, और बिहार के लोगों की बड़ी श्रद्धा है काशी से, इसलिए यही प्रार्थना है, बक्सर को सीधे आप बनारस से जोड़ दीजिए, यह हम आपसे कहेंगे। बनारस के पास जो जीटी रोड का हिस्सा है वहां से उसको जोड़ दीजिए, गाजीपुर साइड से भी जोड़िए, और आपको मैं आश्वस्त करता हूं कि जो कुछ भी लैंड एक्विजिशन में जितनी तेजी लाने के लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा हम लोग पूरे तौर पर सहयोग करेंगे, ये तो हम लोगों के हित में है। हाथ जोड़कर प्रार्थना करके लोगों से आग्रह करेंगे, और जमीन का अधिग्रहण कराने में पूरी सहायता और मदद करेंगे, इसलिए इसके लिए आप जरूर निश्चिंत रहिएगा इन चीजों का। और बाकी सब चीजों के बारे में आप बहुत कुछ कहा है, मैं उन चीजों के बारे में ज्यादा चर्चा करके वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ मेरा अनुरोध था, उसमें दो चीज ये मिसिंग था, इसलिए हमने आपसे आग्रह किया, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपने आज नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत पटना में सीवेज से संबंधित 4 योजनाओं का भी शिलान्यास का आज कार्यक्रम रखा है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। एक बात मैं आपसे आग्रह करूंगा, और हम लोगों ने बिहार में इसके बारे में सोचना प्रारंभ कर दिया है, ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसका सब जगह लगना जरूरी है। आप गंगा के निर्मलता की बात करते हैं, हम तो निर्मलता और अविरलता दोनों को मिलाकर देखते हैं, और दोनों का संबंध अन्योन्याश्रय है, एक पहले और एक बाद नहीं है, अविरलता के लिए निर्मलता, निर्मलता के लिए अविरलता, ये दोनों चीजें एक दूसरे से ऐसी जुड़ी हुई हैं। और मेरी अपनी समझ है, और इस पर हमने बहुत लोगों से चर्चा की, कि ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगता है और फिर उस पानी को हम नदी में डाल देते हैं, अब ये पटना का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, इसके पानी को पुनपुन नदी में डालेंगे, वही पुनपुन नदी फतुहा में गंगा नदी में मिलेगी, ये पूरा का पूरा जो बिहार है ये गंगा रिवर बेसिन में, पूरा का पूरा बिहार, कोई भी हमारी नदी है वो सब नदी अंततो गत्वा गंगा में ही मिलती है, इसलिए किसी भी नदी में पानी, गंदा पानी नहीं जाना चाहिए।
और ये जो सीवेज ट्रीटमेंट के बाद भी हम आग्रह करेंगे, इस पर गौर करिए कि इस पानी को भी हम सब लोगों को नदी में नहीं बहाना चाहिए, बल्कि उस पानी को और थोड़ा बहुत ट्रीट करके सिंचाई के पर्पस के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और हमने बिहार और पटना में हमने अपने नगर विकास विभाग, कृषि विभाग और हमारा जो जल संसाधन विभाग, सिंचाई विभाग है, दोनों को ये जिम्मेवारी सौंपी है कि इस काम को करिए और गंगा की निर्मलता और अविरलता को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने तय किया है गंगा तट पर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देंगे, और उस ऑर्गेनिक फार्मिंग को जो बढ़ावा देंगे उसमें ये सीवेज ट्रीटमेंट से जो पानी है उसको थोड़ा और ट्रीट करने के बाद उसका इस्तेमाल हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कर सकते हैं। तो यह सब काम हम लोग करना चाह रहे हैं, तो इसलिए इसमें भी आप दीजिएगा। और एक प्रार्थना हम करेंगे गडकरी साहब, आप कभी समय दीजिएगा, आपसे हम मिल करके और चर्चा करेंगे गंगा की अविरलता पर। ये जो आप सोच रहे हैं, यहां इतना बड़ा सिल्ट की समस्या है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसको तुरंत संज्ञान में लिया और इसके बाद हम लोगों के आग्रह पर एक एक्सपर्ट कमेटी बनी। एक्सपर्ट कमेटी इन सब चीजों को देखेगी कि गंगा की अविरलता बरकरार रहे, जो सिल्ट की समस्या है उसका समाधान हो। आप जानते हैं मुंशीजों की चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन जो फरक्का में बना हुआ है बराज, अब उसके चलते धीरे धीरे सिल्ट डिपॉजिट बहुत होता जा रहा है। कई कारण, ऊपर से जो इको फ्लो है उसमें कमी आई, अप स्ट्रीम में कई प्रकार के प्रोजेक्ट लगे, इसलिए हम लोगों के यहां जो गंगा नदी में जितना फ्लो था आज वह फ्लो नहीं है, इसलिए सिल्ट डिपॉजिट जाता होता जा रहा है। इसलिए कृपा करके अगर किसी चीज पर इसके बारे में, वाटरवे के बारे में अगर कुछ सोच रहे हो तो उसके बारे में फिर एक बार और चर्चा करेंगे, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर ही एक्सपर्ट्स की कमेटी बनी है और वो एक्सपर्ट्स की कमेटी को एक समय दिया गया है, वो ये सारा काम करेंगे। इसलिए इस बात पर आप जरूर ध्यान देंगे। और एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर जो इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं, ये सब टाल क्षेत्र के निवासी हैं, और आपने टाल क्षेत्र की चर्चा कर दी, मैं आपको इसके लिए धन्यवाद देता हूं। सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि जब केंद्र में हम लोग थे आदरणीय अटल जी की सरकार में, तो उस समय केंद्र सरकार के साथ, केंद्र सरकार के द्वारा टाल क्षेत्र के लिए एक योजना स्वीकृत की गई जिसमें 63 अदद पैनों का जीर्णोद्धार और 74 अदद जमींदारी बांध का उच्चीकरण और सुदृढ़ीकरण कराया गया था। अब इसके बाद जो टाल क्षेत्र की और समस्या है, जब मैं एमपी भी नहीं बना था, मैं 88-87 की बात आपको बता रहा हूं, मैं हरनौत का विधायक था और तब टाल क्षेत्र के लिए संघर्ष समिति बनाकर ये टाल क्षेत्र की समस्या के समाधान के लिए, टाल योजना के लिए मैं वकालत करता रहा हूं, तो जो भी संभव हुआ किया। अब इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से पूरा अध्ययन करके राज्य के जल संसाधन विभाग द्वारा टाल क्षेत्र के समुचित विकास, बेहतर जल संचयन एवं जल प्रबंधन हेतु लगभग 1,892 यानी 1900 करोड़ रुपए की टाल योजनाओं का प्रस्ताव तैयार किया गया, और इसमें से 188 करोड़ की योजना की स्वीकृत कर कार्य प्रारंभ किया गया है। टाल योजना के लिए जिसकी आपने चर्चा कर दी, मुझे तो बेहद प्रसन्नता हो गई कि अब आपने आकर मोकामा में टाल क्षेत्र की समस्या के लिए और इसके समाधान की बात आपने कह दी। टाल क्षेत्र की समस्या जो कोई बाढ़ की उस तरह की समस्या नहीं है, यह पृथक समस्या है। यहां जल आना ही है 4 महीना, समय पर जल निकले और अन्य प्रकार की समस्याएं, तो टाल क्षेत्र की विशिष्ट समस्या है और इस पर कई बार विशेषज्ञों की टीम ने पूरा अध्ययन किया। तो आप अगली बार जब समय देंगे तो हम तो टाल क्षेत्र के बारे में आपके सामने पूरा प्रेजेंटेशन दे देंगे, प्रस्तुतिकरण कर देंगे। योजना का प्रारूप तैयार है और उसके एक हिस्से में हम लोगों ने काम भी शुरू किया है। आपकी मेहरबानी होगी तो पूरी योजना स्वीकृत करके और पूरे टाल क्षेत्र का उद्धार हो जाएगा, विकास हो जाएगा, और इस टाल योजना का
हमारे क्षेत्र के लोग सपना देखते हैं, दशकों से सपना देखते हैं, उसमें उनको एक सहायता मिलेगी।